राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग लगी है और इससे सियासत भी भड़क गई, तेज हो गई। कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी ने कहा है कि कमीशन के एविडेंस मिटाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए आग लगाई गई है। कांग्रेस ऐसा कह रही है, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। देखो, सतपुड़ा भवन में फिर आग लगी, ये आग है क्या? 50% कमीशन के एविडेंस को जला दिया गया है। मध्य प्रदेश के वासियों, क्या हमारे मुख्यमंत्री से ये जवाब दे ही नहीं कि पिछली बार जो आग लगी थी उसके दोषी कौन थे, कितने को सजा दी, किसको इसके लिए दोषी ठहराया गया, आरोपित किया गया, मुकदमा चला गया, जेल भेजा गया, एक भी नहीं। फिर आग लगी है, किसने लगाई आग, क्यों लगी आग, इसके कारणों पर जाएंगे ही नहीं। आगे बढ़ेंगे बात कुछ और खबरों की। बिलासपुर से खबर है जहां रतनपुर पीड़िता के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पीड़िता की मां पर लगा आरोप फर्जी निकला है। पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ, बच्चे से यौन शोषण की कहानी झूठी निकली है। पुलिस ने कोर्ट में मामला खारिज किया है, मामला खारिज करने की अपील की है पुलिस ने कोर्ट में। शिकायतकर्ताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, आरोपी आफताब मोहम्मद के परिजन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीड़िता को प्रलोभन दिया गया था, प्रलोभन को स्वीकार नहीं करने पर मामला दर्ज हुआ था पॉस्को एक्ट का। इस वक्त की बड़ी खबर रतनपुर पीड़िता के मामले से जुड़ी हुई, पीड़िता की मां पर लगा आरोप फर्जी निकला, गलत साबित हुआ। पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, बच्चे से यौन शोषण की कहानी झूठी निकली। पुलिस ने कोर्ट में मामला खारिज करने की अपील की। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल तिवारी, जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, एक नया मोड़ इस केस में। देखिए सुमित, पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और बालक के साथ जो लैंगिक अपराध के जो मामले आए थे रतनपुर में, पीड़िता की मां को पॉस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज के अंदर किया गया था, वो पूरी कहानी है वो झूठी निकली है। और पुलिस ने बवाल मचने के बाद इस मामले में एक जांच टीम एडिशनल SP की अगुवाई में गठित की थी और जब टीम ने इसकी जांच की तो पूरी जो कहानी है वो झूठी साबित हुई और अब मामले को कोर्ट में खारिजी के लिए पेश किया गया है। बड़ी बात यही है, उल्लेखनीय बात यही है सुमित, कि खारिजी के लिए जब मामला जाएगा तो उसके बाद कोई भी इस पर अपराध पंजीबद्ध नहीं होगा, न ही इसको आने वाले समय में विवेचना हो सकेगी, क्योंकि ये मामला कोर्ट से ही खारिज जब हो जाएगा तो इसमें कोई भी अपराध होगा नहीं। अगर खात्मा होता तो बात अलग था, जनरली खात्मा जो है सबूत के अभाव में होता है, लेकिन ये पूरी जो कहानी है ये मनगढ़ंत निकली। पहले उन्हें प्रलोभन देने की नीयत से इस तरह के जो प्रयास किया गया था और उसके बाद जब प्रलोभन से बात नहीं बनी तो ये साजिश के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया गया है और इसका पूरा खुलासा फिलहाल जांच रिपोर्ट में हुआ है। अभी पुलिस ने एक जानकारी जो साझा किया है, एक प्रेस नोट जारी किया है जिससे इस ये खुलासे का पता चला है। ठीक है युगल, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। बैतूल में युवक की बेरहमी से पिटाई हुई, समता एक्सप्रेस ट्रेन में युवक की बेरहमी से पिटाई हुई है। चोरी के संदेह में यात्रियों ने युवक को पीट दिया, घायल युवक को आमला स्टेशन पर उतारा गया। युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। रायपुर के रहने वाला युवक नागपुर से उज्जैन जा रहा था, ये आमला RPF मामले की जांच में जुटी हुई है। नागपुर से आमला के बीच ये वारदात हुई। तो समता एक्सप्रेस में युवक की बेरहमी से पिटाई हो गई। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, नमस्कार।